Hello everyone, I hope you all are good and you are studying at your home. Now in this video we are going to take question number 1st, 4th and 5th part. We have already taken 1st and 3rd part of this question. Now here why we are taking these two parts? मेरा जो मोटिव था इन पार्ट्स को आपको समझाने का वो ये था कि ये हमारे जो हमने फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट किए थे उनसे थोड़े से अलग हैं। अब वो कैसे अलग हैं? देखिए अगर आप आपका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, यहाँ पे आपको यू स्क्वायर का टर्म दिख रहा है एंड यू का टर्म दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ गायब है। इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उनमें कभी जो एक्स का टर्म है वो गायब होता है, कहीं कहीं पे आपको कॉन्स्टेंट टर्म गायब होता है। अब जरूरी नहीं ना वेरिएबल एक्स ही हो, वो यू भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, जेड कुछ भी हो सकता है। आपने बस देखना है कि जो टर्म है वो किस रिस्पेक्ट में है, ठीक है, डिग्री 2 होनी चाहिए तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका होगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट को कैसे करते हैं। अब देखिए दो टर्म है, आपने क्या करना है, इनमें कॉमन लेना है, आपको 4u कॉमन दिख रहा है, देन u प्लस 2 आपके पास बचा। अब अगर 4u मीन जो फर्स्ट आपके पास टर्म आया वो 0 है, सो u की वैल्यू कितनी आ रही है 0, एंड अगर जो ब्रैकेट है u प्लस 2 इसकी वैल्यू 0 है, सो u की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 2, मीन्स अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आपको मिल गई है। अब रिलेशनशिप आपने वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस की जो आपके पास वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या होगी, जब आप दोनों जो वैल्यू है जीरोस की उनको ऐड कर देते हो तो ये कितना आ रहा है माइनस 2। अब आप देख लेंगे कि माइनस बी अपॉन ए कितना आ रहा है, माइनस बी मीन्स यहाँ पे यू का जो कोफिशियंट है ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव यहाँ पे, एंड देन हमने बी की वैल्यू रख दी, एंड देन आपका जो यू स्क्वायर का कोफिशियंट है वो किसकी वैल्यू होगी, ए की। सो ये कितना आ रहा है माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 2, ठीक है, सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशन था वो तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, आपने क्या करना है, ये जो जीरो है एंड जो दूसरी वैल्यू थी यू की वो आपने मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो। अब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है उसकी वैल्यू होती किसके बराबर है, सी अपॉन ए, मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म। अब कॉन्स्टेंट टर्म तो यहाँ है नहीं, मीन्स वो क्या है जीरो है, तो सी की जगह पे वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी जीरो, एंड ए मीन्स यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो क्या है 4, सो एट द एंड ये कितना आ जाएगा 0। तो आपने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया यहाँ पे जीरोस और उनके बीच के जो कोएफिशिएंट है उनके, एंड देन आपके पास जो फिफ्थ पार्ट है उसको देखिए कैसे करते हैं आप, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे आपके पास टी का टर्म नहीं है, मीन्स जो मिडिल टर्म है वो नहीं है। अगेन यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 कर देंगे, टी स्क्वायर यही रहने देंगे, माइनस 15 को ट्रांसपोज करेंगे प्लस 15 हो जाएगा, टी की जो वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट 15 हो जाएगी विद द साइन ऑफ प्लस माइनस, ठीक है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपने यहाँ से स्क्वायरिंग हटाई तो यहाँ पे अंडर रूट आ गया। सो आपके पास अल्फा बीटा की जो वैल्यू आई है इस केस में क्या आई है, एक होती है प्लस अंडर रूट 15, एक है माइनस अंडर रूट 15, ठीक है, अल्फा बीटा आपको मिल गया है। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ जीरोस एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है उनका जो रिलेशनशिप है उनके कोफिशिएंट के साथ उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, आप अल्फा बीटा को ऐड कर दीजिए, अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15, ये होगा कितना 0, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे देखिए टी का कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स टर्म ही नहीं है वो, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, एंड ए की वैल्यू 1 है, बट एट द एंड ये क्या होगा 0। नाउ सी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास इस केस में, वो क्या आएगी, जब आप अल्फा एंड बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस अंडर रूट 15, ये वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 15। ये जो वैल्यू आई है प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये किसके बराबर आनी चाहिए, सी अपॉन ए के, सी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू
कांस्टेंट टर्म की वैल्यू यहाँ क्या है माइनस 15 एंड ए मींस द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज 1 सो ये कितना आ रहा है माइनस 15 सो सी इस वे में हमने जो पार्ट फोर्थ एंड पार्ट फिफ्थ है क्वेश्चन नंबर 1 का वो हमने सॉल्व किया है बहुत ही इजी तरीका है जीरो फाइंड आउट करना तो आपने क्लास 9 में भी सीखा था अभी हमने एक स्टेप और बढ़ाया है उनका जो रिलेशनशिप है उनके कोफिशिएंट के साथ वो वेरीफाई करना सीखा है सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो